जानते हैं कोई घाव अंदर और बाहर होने में कितना अंतर है। अगर घाव शरीर के बाहर हो तो उसे फोड़ा कहते हैं, और अगर यही घाव भीतर हो जाए तो कैंसर बन जाता है। फोड़े का इलाज तो फिर भी आसान है, लेकिन कैंसर के इलाज के लिए विशेषज्ञ ही चाहिए। इसके रिसने से अंदर के बाकी अंग भी संक्रमित हो जाते हैं। यही हाल नक्सलवाद का भी हमारे देश में है। ये हमारे देश के अंदर उपजा वो कैंसर है जो लगातार रिस रहा है। हर नक्सली वारदात के बाद यही सवाल उठता आया है कि आखिर कब इस लाल आतंक पर लगाम लग सकेगी, और कब ये खून की होली से लाल हो चुके हरे भरे जंगल दोबारा आबाद हो सकेंगे। 3 अप्रैल को बीजापुर के जंगलों में घटी घटना ने इस लाल आतंक की ओर एक बार फिर पूरे देश का ध्यान खींचा है। बंसल विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। दोस्तों, हम हर एपिसोड में आम जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन आज हमने ये विषय इसलिए चुना है ताकि आपको भी इस नासूर बन चुके जख्म के बारे में बताया जा सके। आज देश में तकरीबन 11 राज्यों के 96 जिले इस भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम समस्या से जुड़े कारण का मंथन करने के साथ उन तमाम पहलुओं का विश्लेषण करेंगे जो कि इससे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि नक्सलवाद भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन से शुरू हुआ। 1967 में नक्सलवादियों ने कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की एक अखिल भारतीय समन्वय समिति बनाई और खुद को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग कर सरकार के खिलाफ भूमिगत होकर सशस्त्र लड़ाई छेड़ दी। CPM की दार्जिलिंग इकाई के जिला सचिव चारू मजूमदार द्वारा तैयार किया गया तराई दस्तावेज इस आंदोलन का बुनियादी आधार पत्र बना, लेकिन 1971 के आंतरिक विद्रोह के समय इसका नेतृत्व कर रहे सत्यनारायण सिंह और चारू मजूमदार की मृत्यु के बाद ये आंदोलन कई शाखाओं में बंटकर अपने लक्ष्य और विचारधारा से भटक गया, जिसके साथ इसकी शुरुआत हुई थी। सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को हम कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप जान सकें कि नक्सलवाद का इतिहास क्या रहा है और देश में किस तरह की तस्वीरें नक्सलवाद को लेकर के सामने आई हैं। तो ये ग्राफिक्स जो हम आपको दिखा रहे हैं उन्हें आपको गौर से देखना चाहिए ताकि आप इस पूरे मामले पर विश्लेषण हमारे साथ कर सकें। उसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी से हुई थी। वहीं इस गांव के नाम पर इस आंदोलन को नक्सलवाद कहा गया। इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई वो भी हम आपको बता देते हैं। जमींदारों के छोटे किसानों का उत्पीड़न करने से ये आंदोलन उपजा था। वहीं चारू मजूमदार, कानू सान्याल, कन्हाई चटर्जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, और इसको नक्सलवाद क्यों कहा गया वो भी हम आपको बता देते हैं। इसमें गुरिल्ला युद्ध के जरिए राज्य को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है और इसलिए इसे नक्सलवाद कहा जाता है। भारत में नक्सलवाद माओवादी विचारधारा से प्रेरित रहा है और ये विचारधारा लंबे समय तक इन आंदोलनों को सक्रिय रखने में बड़ी इसने भूमिका निभाई है। इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि इस नक्सलवाद का विस्तार कैसे हुआ और इसके चरण दर चरण कैसे स्थितियां बदलती गईं। पहला चरण साल 1967 से 1980 तक रहा और इस दौरान मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवाद पर ये आधारित था। इस दौरान जमीनी अनुभव और अनुमान की कमी साफ तौर पर देखने को मिली, लेकिन इस दौरान नक्सलियों को राष्ट्रीय पहचान जरूर मिली। इस आंदोलन का जो दूसरा चरण है वो साल 1980 से 2004 तक रहा और इस दौरान नक्सलवादियों ने व्यवहारिक विकास किया, यानी कि वो तमाम तौर तरीके सीख रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। इस आंदोलन का तीसरा चरण साल 2004 से अब तक लगातार जारी है और इस दौरान नक्सलियों का राष्ट्रीय स्वरूप उभरा और इनके विदेशी संपर्क बढ़े, यानी कि फंडिंग से लेकर तमाम ऐसी जो चीज़ें थीं उनमें इन्होंने लगातार विकास किया और अपने संपर्क बढ़ाए। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से ये दोनों चीज़ें हमने आपको बताई हैं वो बेहद ज़रूरी थी, तो हम आपको बताना चाह रहे थे कि किस तरह से इसका विस्तार हुआ और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो अभी तक हमने आपको नक्सलवाद के उपजने और चरणबद्ध तरीके से, यानी स्टेप बाय स्टेप, इस जहरीले पेड़ की जड़ें कितनी गहरी होती गईं उसके बारे में बताया, लेकिन अब यहाँ उन घटनाओं या वारदातों का जिक्र करना भी ज़रूरी लगता है जिसे इन्होंने अंजाम दिया। देश में कब कब बड़ी नक्सली वारदात हुई वो आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं।
आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे वो तमाम आंकड़े। साल 2008 में ओडिशा में 14 पुलिसकर्मियों की हत्या करने का मामला सामने आया था और इस दौरान एक नागरिक की हत्या भी नक्सलवादियों ने कर दी थी। वहीं दूसरी घटना का अगर जिक्र करें तो 2009 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक बड़ा नक्सली हमला किया गया जिसमें 15 सीआरपीएफ जवानों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं साल 2010 की बात करें तो कोलकाता मुंबई ट्रेन में 150 यात्रियों की हत्या नक्सलवादियों ने कर दी थी और ये बहुत बड़ी घटना थी। इसके बाद साल 2010 की बात करें तो पश्चिम बंगाल के सिल्दा कैंप में घुसकर नक्सलियों ने हमला किया जिसमें अर्धसैनिक बल के 24 जवान शहीद हो गए थे। साल 2012 में भी इस घटना को दोहराया गया और झारखंड के गढ़वा जिले के पास बरीगवां जंगल में 13 पुलिसकर्मियों की हत्या को अंजाम दिया गया। वहीं देश के आंकड़ों के बाद अब हम छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की जो वारदातें उन्होंने अंजाम दी हैं उसकी भी बात करेंगे और वो आंकड़े आपको बताएंगे। 12 जुलाई 2009 को राजनांदगांव में 29 जवानों की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी। इसके बाद जो दूसरी घटना है वो 6 अप्रैल 2010 की है जहां ताड़मेलला में 76 जवान शहीद हो गए थे। 17 मई 2010 की बात करें तो ये घटना दंतेवाड़ा की है जहां 12 जवानों के शहीद होने का मामला सामने आया था। इसके बाद 29 जून 2010 को नारायणपुर में नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया और इस दौरान 27 जवान शहीद हुए। वहीं 11 मार्च 2014 को झीरम में 15 जवान शहीद हुए थे नक्सलियों के हमले में और इसके बाद 27 अप्रैल 2017 को सुकमा में नक्सलियों ने एक बार फिर वारदात को अंजाम दिया और इस दौरान 25 जवानों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं 13 मार्च 2018 को सुकमा में 9 जवानों के शहीद होने का मामला सामने आया और इसके अलावा 21 मार्च 2020 की बात करें तो सुकमा में 17 जवान शहीद हो गए थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी नक्सलियों से लड़ते हुए। 23 मार्च 2021 की बात करें तो नारायणपुर में 5 जवानों के शहीद होने का मामला सामने आया था। इसके अलावा 3 अप्रैल 2021 को बीजापुर में 22 जवान शहीद हुए हैं। ये इसी महीने की वारदात है जिसे नक्सलियों ने घात लगाकर अंजाम दिया। ये हम आपको छत्तीसगढ़ के अकेले आंकड़े बता रहे थे। देश के आंकड़े पहले हमने आपको बताए और उसके बाद छत्तीसगढ़ के आंकड़े हमने आपको बताए हैं। ये केवल प्रमुख घटनाएं थीं जिनके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। इसके अलावा अगर कुल आंकड़ों की बात की जाए तो वो इसकी तुलना में कई गुना अधिक हैं जिसमें न केवल पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल शामिल हैं बल्कि आम नागरिक और खुद नक्सलियों की मौत के आंकड़े भी शामिल हैं। नक्सलियों के विरुद्ध समय समय पर अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि कब कब कौन कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। स्टीपेल चेस अभियान वर्ष 1971 में चलाया गया जिसे संयुक्त रूप से भारतीय सेना और राज्य पुलिस ने अंजाम दिया था। इस दौरान लगभग 20,000 नक्सली मारे गए थे। इसके बाद साल 2009 में छत्तीसगढ़ झारखंड आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में एक साथ ग्रीन हंट अभियान चलाया गया जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स और केंद्रीय पुलिस बल के जवानों ने हिस्सा लिया और उसके बाद 3 जून 2017 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों द्वारा अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान यानी कि प्रहार की शुरुआत की गई। इस अभियान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और इंडियन एयरफोर्स के एंटी नक्सल टास्क फोर्स ने हिस्सा लिया। इस अभियान में 3 जवानों के शहीद होने के साथ ही कई जवान घायल हुए थे। इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 15 से 20 नक्सलियों को मारने में सफलता हासिल की थी लेकिन खराब मौसम के कारण 25 जून 2017 को इस अभियान को बीच में ही रोक दिया गया। सरकारें समय समय पर लगातार प्रयास करती रही हैं, सुरक्षा बल लगातार प्रयास करते रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इतने प्रयासों के बाद भी ये समस्या क्यों खत्म नहीं हुई तो आपका सोचना बिल्कुल सही है। अब हम कार्यक्रम के उस भाग में पहुंच चुके हैं जहां हम आपको इसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिर नक्सली ऐसी कौन सी रणनीति अपनाते हैं जिससे सुरक्षा बलों की योजना विफल हो जाती है। तो पूरे विषय पर रिसर्च के बाद जो बिंदु हमें मिले हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार रणनीति जो है वो क्यों विफल होती है और कहाँ कमी हो रही है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला बिंदु जो निकल के आता है वो है समन्वय की कमी। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए कोई एकीकृत ठोस रणनीति देश के पास नहीं है। इसका नतीजा ये होता है कि नक्सली केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की कमी का फायदा उठाते हैं और एक राज्य में खूनी खेल खेल कर दूसरे राज्य में भाग जाते हैं। इसके अलावा नक्सली समस्या से निपटने के लिए हर राज्य की अलग नीति भी एक बड़ा कारण है यानी कि हर जगह के नियम अलग अलग हैं। वहीं दूसरा बिंदु जो है वो सुदूरवर्ती इलाकों में पहुंच ना हो पाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है।
सुरक्षाकर्मी उन्हीं जगहों पर जा पाते हैं जहां सड़कें बनी होती हैं और मोबाइल नेटवर्क होता है, इसलिए उनकी पहुंच सुदूरवर्ती इलाकों तक नहीं हो पाती, जबकि नक्सली इन्हीं दुर्गम स्थानों पर छिपे रहते हैं। इसी वजह से नक्सलियों का पूरी तरह से कभी खात्मा नहीं हो पाता। इसके बाद जो अगला बिंदु है वो कमजोर लोकल नेटवर्क है। विशेषज्ञ बताते हैं कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते, यानी कि उन पर भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि अगर कोई मुखबिरी करता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, क्योंकि उसे वक्त पर मदद नहीं मिल पाती। तो ऐसे में डर और दबाव में नक्सलियों के पक्ष में ये लोग खड़े हुए नजर आते हैं और उनकी सूचना सुरक्षा बलों को नहीं देते हैं। अगला बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभावित क्षेत्रों में भाषा की समस्या, यानी कि इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो तैनात किए गए सुरक्षाकर्मी हैं वो अलग अलग राज्यों से आते हैं, इसलिए उनमें भाषाई भिन्नता भी पाई जाती है और भाषा की समस्या के कारण उनके और सुरक्षाकर्मियों के बीच संवाद नहीं हो पाता, जिस कारण जवान उनसे जुड़ नहीं पाते, यानी कि जो लोकलाइट हैं या वहाँ के आदिवासी हैं जवान उनसे जुड़ नहीं पाते और इसलिए खुफिया सूचनाएँ उन तक नहीं पहुँच पाती। तो दोस्तों ये वो समस्याएं थीं जिनका सामना अक्सर जवानों को करना पड़ता है, जबकि नक्सली इस पूरे इलाके से बहुत अच्छी तरह से परिचित होते हैं जो उनको सुरक्षा बलों से एक कदम आगे खड़े होने में मदद करते हैं। अब हम आपको एक और प्रमुख समस्या के बारे में बताने जा रहे हैं और एक मैप आपको दिखाने जा रहे हैं। हमने कुछ बिंदु भी नोट किए हैं और तमाम जानकारी निकालने की कोशिश की है ताकि आप इस समस्या को बहुत अच्छे से समझ पाएं। घने जंगल, नदी, पहाड़ को नक्सली अपने प्रमुख हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नक्सलियों का गढ़ समझे जाने वाले तमाम क्षेत्र दो या दो से अधिक राज्यों की सीमा पर बसे हुए हैं। फिर चाहे बात छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की हो, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की हो, ओडिशा के मलकानगिरी की हो या तेलंगाना के आदिलाबाद की हो, नक्सली एक राज्य में हमला करके दूसरे राज्य में शरण ले लेते हैं। ये जो नक्शा आप इस वक्त देख रहे हैं इसमें हमने रेड से इन राज्यों को मार्क किया हुआ है कि कैसे बॉर्डर वाले इलाके में ये नक्सली पनाह लेते हैं और उसके बाद दूसरे राज्य में चले जाते हैं। नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर हर राज्य की अपनी अलग अलग नीति है और इसके साथ ही ये तमाम इलाके घने जंगलों, नदियों और पहाड़ों के बीच हैं, जिससे हमला करना और छिप जाना नक्सलियों के लिए बेहद आसान होता है। ये मैप हम आपको इसलिए दिखा रहे थे ताकि आप ग्राफिकल तरीके से इसको समझ सकें कि क्या कुछ चल रहा है और क्यों इतनी दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसके बाद आप समझ चुके होंगे कि नक्सलियों का ये हथियार कितना खतरनाक है, इसके सामने बंदूक बम सब फेल हो जाते हैं। और आइए अब हम रेड कॉरिडोर की बात करेंगे। हमने आपको कहा था कि हम आपको रेड कॉरिडोर के मायने समझाएंगे, आखिर रेड कॉरिडोर है क्या। तो हम आपको बता दें, पूर्वोत्तर राज्यों में फैले इस नक्सलवाद का उद्देश्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश से होते हुए नेपाल तक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना है। इसे ही रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है या संबोधित किया जाता है। आप इसे और बेहतर तरीके से समझ सकें इसलिए हम एक और मैप आपको दिखाने वाले हैं। आप भी समझ पाएंगे कि नक्सलियों की जो दूरगामी रणनीति है वो क्या कुछ कहती है। जिस तरह से इस मैप का कुछ हिस्सा आपको लाल रंग से रंगा हुआ नजर आ रहा होगा, दरअसल ये वो राज्य हैं जो रेड कॉरिडोर के अंतर्गत आते हैं। और अगर गौर से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि किसी भी राज्य के जिस जिले में नक्सली मूवमेंट देखने को मिलता है वो सीमावर्ती जिले हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जिस जिले में नक्सली मूवमेंट देखने को मिलते हैं वो सीमावर्ती जिले हैं, एक या एक से अधिक राज्यों की सीमा से लगते हैं। वो जिले इन राज्यों के बॉर्डर पर स्थित हैं जहां इसकी सीमा एक और अधिक राज्यों से लगती ही है। पहले नक्सल समस्या से प्रभावित जिलों की संख्या 106 थी और उसके बाद ये बढ़कर 126 हो गई। बाद में 44 जिलों को वहां से घटती नक्सली वारदातों के आधार पर इससे बाहर कर दिया गया, जिसमें तेलंगाना के 19 जिले, ओडिशा के 6 जिले, बिहार के 6 जिले, पश्चिम बंगाल के 4 जिले, छत्तीसगढ़ के 3 जिले, झारखंड के 2 जिले और महाराष्ट्र का 1 जिला शामिल है। जबकि कुछ नए जिले इसमें शामिल किए गए हैं और अब वर्तमान में इनकी कुल संख्या 96 है। आइए फिलहाल वर्तमान में 30 सबसे अधिक LWE यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म प्रभावित जिलों पर हम एक नज़र डालेंगे और कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे कि किस राज्य के किस जिले में क्या स्थितियां बन रही हैं। जो जिले जिन राज्यों के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम
इससे ज़्यादा प्रभावित है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय बिहार के अंतर्गत आते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंदगांव, नारायणपुर, राजनांदगांव और सुकमा इसके अंतर्गत आते हैं। झारखंड की अगर बात करें तो बोकारो, चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पालमू, रांची, सिमडेगा पश्चिम, सिंहभूम इसके अंतर्गत आते हैं। ये ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर इस दौरान चल रहे होंगे। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो गढ़चिरौली इससे ज़्यादा प्रभावित नज़र आता है। लगातार हम ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं ताकि आप पढ़ सकें कि किस राज्य में, आप जान सकें कि किस राज्य में ये इलाके बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। ओडिशा की बात करें तो कोरपुर और मलकानगिरी में इस तरह की समस्याएं देखी गई हैं। वहीं तेलंगाना की बात करें तो भद्रादरी और कोथा गुदेम इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नज़र आते हैं। ये वो 30 जिले थे अलग अलग राज्यों के जिनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे जो LWE से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वहीं इस वक्त एक मैप आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा जो कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर बनाया गया है, जो कहती हैं माओवादी केरल, कर्नाटक, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ ही पश्चिमी और पूर्वी घाट के कई राज्यों तक अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश में जुटे हैं। माओवादी एक त्रिकोणीय जंक्शन तैयार कर रहे हैं और ये उनकी दीर्घकालिक रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं और ये उसी का हिस्सा है। ये भारत को एक तरफ से किनारे किनारे उसमें कब्जा कर उसे तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। ज़मीन से यानी कि नीचे से लेकर के ऊपर तक का पूरा उनका प्लान तैयार है और लगातार वो इस पर काम कर रहे हैं। तो समझे आप कि नक्सली कितने बड़े क्षेत्र पर कब्जा जमाने की फिराक में हैं। इसके साथ ही एक और बड़ा सवाल पूरे विश्लेषण में निकल कर आता है कि आखिर इनकी ज़रूरतें कैसे पूरी होती हैं, क्योंकि हर आंदोलन को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, फंड की ज़रूरत होती है, रसद के साथ ही यानी उनके खाने पीने की सामग्री के साथ ही हथियारों की ज़रूरतें कहाँ से पूरी होती हैं। तो वो इन ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इन्हें पैसा कहाँ से मिलता है। इनके पैसे का मुख्य स्रोत वसूली है और ये वसूली कहाँ से की जाती है अब अगले ग्राफिक्स में हम आपको वो बताएंगे। क्षेत्र की खनिज खदानों से ये लगातार वसूली करते हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों से भी ये लगातार वसूली करते हैं, यानी कि वो कंपनियां इनको वहाँ काम करने के एवज में पैसा देती हैं। इसके अलावा सरकारी संगठन जो प्रोजेक्ट लेकर के जाते हैं उनसे भी ये वसूली करते हैं। क्षेत्र के धनाढ्य और उच्च वर्ग से भी ये वसूली करते हैं और उनसे लगातार पैसे की डिमांड करते हैं और वहाँ से ये फंड जोड़ते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें जो मदद मिलती है उसको फंडिंग करने के लिए बड़े बड़े संस्थान काम कर रहे हैं, देश विरोधी ताकतें लगातार काम कर रही हैं। वहीं दूसरे उग्रवादी संगठन भी इनको फंडिंग करते हैं, इनकी मदद करते हैं, क्योंकि वो भारत के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं और हमारे देश को अस्थिर करना चाहते हैं। और जब इन्हें कोई पैसा नहीं देता तो ये भय पैदा करने के लिए हत्या और अपहरण करते हैं। आपने ऐसी कई वारदातें सुनी होंगी जिसमें माओवादियों ने या नक्सलियों ने अपहरण किया और उसके बाद ये हत्या कर देते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके नाम का खौफ लगातार सभी के बीच बना रहे। दरअसल जो संघर्ष उच्च और निम्न वर्ग के संघर्ष के साथ शुरू हुआ, भूमि सुधार कानूनों का दुरुपयोग, सरकारी और सामुदायिक ज़मीनों को हड़पना बिना उचित हर्जाने और पुनर्वास व्यवस्था के, भूमि अधिग्रहण जैसी कुछ व्यवस्थाओं ने इस आग में घी डालने का काम किया। हम कार्यक्रम के उस भाग में पहुंच चुके हैं जहां हम आपको बताएंगे कि क्यों ये आंदोलन शुरू हुआ और इसके पीछे क्या कुछ कारण रहे हैं। अगर कहा जाए तो इसके लिए सामाजिक आर्थिक कारण प्रमुख हैं। आदिवासी गरीबी और बेरोजगारी के कारण एक निचले स्तर की जीवन शैली जीने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में गंभीर बीमारियों से जूझते इन क्षेत्रों में असामयिक मौत अगर किसी की हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, खेती की हालत आज भी किसी से छिपी नहीं है और इन्हीं समस्याओं से पैदा हुआ असंतोष बाद में एक विद्रोह की शक्ल ले लेता है और यही कारण नक्सलवादी सोच को बढ़ावा देते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर इसे राजनीति से जोड़कर देखा जाए तो नक्सलवाद सियासी दलों का एक चुनावी तवा है जिस पर मौका मिलते ही रोटी सेकने की अक्सर कोशिश की जाती है और बार बार ऐसी तस्वीरें आपने देखी होंगी। इसके अलावा संविधान की 5वीं अनुसूची को तरजीह ना देना भी एक बड़ा कारण माना जाता है। हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े मामले आते हैं। 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना की बात कही गई है। दरअसल इन क्षेत्रों में एडवाइजरी काउंसिल एक तरह की पंचायत है जो आदिवासियों को अपने क्षेत्रों में प्रशासन करने का अधिकार देती है। तो ये वो कहानी थी या
जो समस्या के पीछे कारण था वो हम आपको बता रहे थे कि क्या कुछ कारण इसके पीछे नजर आते हैं। अब इनका समाधान जो है वो विकास और इस क्षेत्र के लोगों को मुख्य धारा से जोड़कर ही नजर आता है। बंदूक के दम पर इसका अगर हम हल निकालने की कोशिश करेंगे तो शायद निकल भी सके और या ना निकल सके। सरकारें इसके लिए लगातार प्रयास कर रही हैं और जानते हैं कि इसे लेकर के क्या कुछ प्रयास किए गए हैं, क्योंकि सरकारें चाहती हैं कि संतुलन के साथ इस समस्या को खत्म कर लिया जाए, क्योंकि बंदूक के जोर पर सरकारें इस अभियान में भरोसा बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती। वो चाहती हैं कि हाँ, हम इतना विकास कर देंगे कि जिसके बाद ये समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। सबसे पहले जो सरकार जिन बिंदुओं पर काम कर रही है वो कुछ बिंदु हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। निर्माण और विकास कार्य से जो संबंधित बिंदु हैं उनमें परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे, सड़कें, सेलफोन कनेक्टिविटी, पुल और स्कूल जैसी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 8 पुलों का भी निर्माण किया गया है जिसकी कुल लागत लगभग 1,000 करोड़ रही है। वहीं इस क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। सेलफोन कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो सुधार के उद्देश्य से माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 2,329 मोबाइल टावर परियोजना के प्रथम चरण में स्थापित किए जा चुके हैं। इसमें सबसे अधिक टावर झारखंड में यानी कि 816 टावर और इसके बाद छत्तीसगढ़ में 519 टावर स्थापित किए गए हैं। परियोजना के दूसरे चरण में सरकार ने 4,072 मोबाइल टावर स्थापित करने की भी योजना बनाई है। इसके बाद अगर बात करें तो सड़कों का जाल लगातार बिछाया जा रहा है। स्वीकृत की गई कुल 5,422 किलोमीटर सड़क में से पहले चरण में कुल 4,544 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा चुका है। शिक्षा की अगर बात करें तो उसमें भी लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। सबसे अधिक नक्सल प्रभावित सभी 30 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय लगातार संचालित किए जा रहे हैं ताकि शिक्षा के स्तर को यहाँ बढ़ाया जा सके और विकास की राह पे इसे ले जाया जा सके। वहीं 2013 में रोशनी नामक एक विशेष पहल की गई जिसके तहत आजीविका योजना के तहत ये विशेष पहल शुरू की गई थी ताकि सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की जा सके और उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके। इसके साथ समाधान नामक एक और पहल की गई नक्सल समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 8 सूत्रीय ये पहल रही है, जहां कुशल नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण, कारगर खुफिया तंत्र, कार्ययोजना के मानक, कारगर प्रौद्योगिकी, प्रत्येक रणनीति की कार्ययोजना, नक्सलियों के वित्त पोषण को विफल करने की रणनीति के आधार पर नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जाएगी। ये अभियान लगातार जारी है। इसके अलावा सरकार ने एक और बड़ा प्रयास किया है, समर्पण करने पर पुनर्वास की उन्होंने व्यवस्था की है। हिंसा का रास्ता छोड़कर समर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए सरकार पुनर्वास की व्यवस्था करती आई है और कर रही है। तो दोस्तों, हमने आपको वो सब दिखाया जिसके बाद आप हमारे साथ विश्लेषण कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि नक्सलियों की आज की वारदातों को देखकर क्या कहना सही लगता है कि उन्होंने समाज सुधार के लिए हथियार उठाए हैं या फिर कि वो वाकई जनता की सरकार लाना चाहते हैं? क्या आपको देख करके लगता है आपको ये सोचना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा होता तो कम से कम उन पिछड़े इलाकों में जिन्हें विकास की ज़रूरत है वहाँ विकास कार्यों में नक्सली बाधा नहीं डालते, सड़क निर्माण में लगे वाहनों या सार्वजनिक उपक्रमों को आग के हवाले न किया जाता। जो लोग नक्सलियों को शोषित बताते हुए उनके प्रति दया भाव रखते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर उन क्षेत्रों में विकास कार्य हो रहा है तो वो किसके लिए है? किसी सरकार के लिए है या फिर वहाँ रहने वाले आम आदमी के लिए जिसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? बंदूक के दम पर दुनिया में न कभी अमन कायम हो सका है और न कभी हो सकेगा। नक्सली भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सरकारी योजनाओं में धांधली की बात करते हैं, तो इसे रोकते क्यों नहीं? तुम्हारी बंदूक का जोर इतना है कि क्षेत्र में ना तो सरकारी योजनाएं पहुंच रही हैं और ना ज़मीन पर उनको उतारने वाले कर्मचारी। अगर नक्सली वाकई उन गरीब आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ते तो तस्वीर ऐसी तो बिल्कुल नज़र नहीं आती जैसी कि इस वक्त दिखाई दे रही है, बल्कि वो इलाका जाना जाता भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्र के नाम से जिसकी सरकारें मिसाल दे रही होती। उस इलाके में शिक्षा की कोई कमी नहीं होती, सड़क में कोई ठेकेदार धांधली नहीं कर पाता, कोई कंपनी किसी मजदूर का शोषण नहीं कर पाती और ना ही कोई किसान भ्रष्टाचार के तले घुटने टेकने को मजबूर होता। अब जब ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसे में आपको कैसे गरीबों का मसीहा मान लिया जाए? हर क्षेत्र में कमीशन और अवैध वसूली का कारोबार नक्सली कर रहे हैं तो उन्हें रॉबिनहुड कैसे माना जा सकता है? अगर समाज सेवा ही करनी है तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, चुनाव लड़िए और करिए सत्ता में भागीदारी।
बनाइए जनता की सरकार, किसने रोका है? कानून भी बनाइए और सरकार भी बनाइए, लेकिन सच बात तो ये है कि आपका मकसद कुछ और है। हमने ये सवाल उस वर्ग के लिए पूछे हैं जो इनका हितैषी है और समय समय पर इनके प्रति संवेदना दर्शाता है। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है, उनकी सत्ता का खिला ढह रहा है और छत्तीसगढ़ में 15 दिनों के भीतर घटी दोनों घटनाएं इस बात पर मुहर भी लगाती हैं। बीजापुर की घटना ने एक बार फिर नक्सलियों के असली चेहरे को उजागर कर दिया है। बंसल न्यूज बीजापुर में शहीद हुए सभी जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मैं अपनी बात महात्मा गांधी जी की उस बात के साथ खत्म करूंगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आंख का बदला आंख से लिया जाएगा तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। उम्मीद है आप तक मेरी बात पहुंच चुकी होगी। आज वंशल विशेष में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार रात 9:30 बजे मैं विकास द्विवेदी आपसे फिर मिलूंगा आपके जीवन से जुड़े एक अहम मुद्दे के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।